ओके तो भाई मुझे सच में नहीं पता डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले करेंट टाइम में कौन सा नशा कर रहे हैं। उन्होंने एक न्यू चैंपियंस बेल्ट लॉन्च कर दिया आज के स्मैकडाउन को, साथ ही साथ उस चैंपियंस बेल्ट को चैलेंज करने के लिए पापा की परी भी आ चुके। मतलब शार्लेट फ्लेयर पूरे साल गायब रहेगी, जब चैंपियंस बेल्ट आएगा तब शार्लेट फ्लेयर का रिटर्न हो जाएगा। वैसे एक्जैक्टली कैसा है ये चैंपियंस बेल्ट और क्या कुछ हुआ इस पूरे सेगमेंट के अंदर आइए हम जानते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले चैंपियंस बेल्ट रिवील होने से पहले हमें बैक जहां पर एडम पियर देखते हैं बियांका ब्लेयर के। एडम पियर यहां पर बियांका ब्लेयर को बोलते हैं कि तुम आस्का के ऊपर आज अटैक नहीं करोगे, आज मुझे बहुत सारा स्पेशल चीज करना है। बियांका ब्लेयर इसके ऊपर बोलती है कि मुझे सिर्फ चैंपियंस बेल्ट के लिए मौका चाहिए, अगर मुझे मौका मिल जाने वाला तो मैं कोई अटैक वगैरह नहीं करूंगा। उसके बाद एडम पियर्स भी इसके ऊपर राजी हो जाता है। एडम पियर्स बोलते हैं चलो ठीक है मैं तुम्हें आस्का के गेस्ट एक रिवैज देने वाली हूं। उसके बाद कमर्शियल ब्रेक एक जाता है, उसके बाद आता है और देन हमें एडम पियर्स देखने को मिलते हैं रिंग के अंदर। ऑलरेडी मुझे ये चीज पता था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जितने भी चैंपियंस बेल्ट है सारे चैंपियंस यूनिफाई होने वाला, ऑलरेडी मैंने आई थिंक एक या दो दिन पहले वीडियो के अंदर ही बताया। पर भाई एक्चुअल में इसे स्मैकडाउन के ऊपर ये चीज होने वाला ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया। वैसे इसके बाद एडम पियर्स रिंग के अंदर आते हैं, आस्का को बुलाता है, एक न्यू चैंपियंस बेल्ट यहां पर ऑफर करते हैं आस्का। और भाई अगर मैं गलत नहीं तो ये चैंपियंस बेल्ट सेम टू सेम रोमन रेंज वाला चैंपियंस बेल्ट, मतलब यार सबसे पहले आप लोग ये लॉजिक दो, रोमन रेंज का दो चैंपियंस बेल्ट मिलाकर आप एक चैंपियंस बेल्ट बना, आस्का का एक चैंपियंस बेल्ट मिलाकर आप एक चैंपियंस बेल्ट, तो भाई फिर रोमन रेंज का एक चैंपियंस बेल्ट कहां गया। मतलब भाई मुझे नहीं पता डब्ल्यूडब्ल्यू वाले क्या कर रहे, मतलब सेम ही चैंपियंस बेल्ट का डिजाइन दे रहे यार हर एक चैंपियंस बेल्ट के अंदर। मैं सही बताऊं तो ये डिजाइन मुझे पसंद नहीं है, आप लोग कुछ अलग का डिजाइन यहां पर कर सकते। मतलब रोमन रेंज तो यही सोचेंगे ना मेरा दो चैंपियंस बेल्ट लूट के ये फुद्दू वाला मुझे चैंपियंस बेल्ट दिया, वहीं पर आस्का को यही सेम चैंपियंस बेल्ट सिर्फ एक चैंपियंस बेल्ट के बदले मिला। नेक्स्ट इसके बाद हमें पापा की परी का रिटर्न देखने को मिलता है। मैंने ऑलरेडी आपको कई बार वीडियो के अंदर बताया था शार्लेट फ्लेयर जब भी आने वाली चैंपियंस बेल्ट के पीछे ही आने वाले। ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने इनको 14 डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बना दिया, अब इनको 15 बनाने का प्लानिंग पूरा चल रहा है। एक्जेक्टली वही चीज होता है, शार्लेट फ्लेयर रिंग के अंदर आते हैं, रिंग के अंदर आने के बाद एडम पियर्स को बोलते हैं कि मुझे इस चैंपियंस बेल्ट के लिए मौका चाहिए। एडम पियर्स यहां पर बोलते हैं मैं तुम्हें ऐसे मौका नहीं दे सकता, उसके ऊपर शार्लेट फ्लेयर बोलती है मैं अपना रास्ता खुद से बनाता हूं, तुम्हारा जरूरत भी नहीं। बस उसके बाद यही डायलॉग बाजी होता है, आस्का इस मैच के लिए एक्सेप्ट कर लेते। भाई मुझे ऐसा लगा कि ये मैच अभी जस्ट होने वाला है, थैंकफुली डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ये मैच अभी नहीं करवाने वाले, मनी इन द बैंक के अंदर करवाने वाले, और ये बात मैं 100% कंफर्म बता रहा हूं शार्लेट फ्लेयर इस मैच के अंदर विन करने वाले। वैसे आस्का इसके बाद मिस्ट फेंकने का कोशिश करते हैं शार्लेट फ्लेयर के फेस के ऊपर, पर एक्चुअली मिस्ट फेंक नहीं पाते क्योंकि शार्लेट फ्लेयर पहले ही वहां से हट जाती है। और भाई फिर आप लोग समझ जाओ पापा की परी का आगे क्या प्लानिंग होने वाला, पापा की परी अब बहुत ही जल्द मनी इन द बैंक के अंदर 15 टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनने वाले। मैं बिल्कुल हैप्पी नहीं हूं, आप लोगों का क्या ख्याल इसके बारे में, क्या चैंपियंस बेल्ट का डिजाइन में कुछ चेंजिंग हुआ या फिर नहीं, सारे लोग कमेंट्स में बता सकते। साथ ही साथ सारे के सारे लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा क्योंकि सबसे पहले पूरे यूट्यूब पर हमारे चैनल के ऊपर अपडेट देखने को मिलता है। इसके अलावा जिन लोगों को मेरे से पर्सनली चैट और बात करना भाई सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम को पूरा आ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा।